वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, मेरा नाम सुमेधा ग्रेवी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि रिजल्ट होते हैं आपके कंप्रेसिव फोर्स के, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स के रिजल्ट की वजह से जो माउंटेन्स आपके फॉर्म होते हैं, या फिर हम कहेंगे एंडोजेनिक फोर्सेज की वजह से जो कंप्रेशन फोर्स लगता है, ठीक, उसकी वजह से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ये हाईएस्ट होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं, बहुत एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज होते हैं दुनिया के, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इनके एग्जांपल्स आपके हिमालय हो गए, एल्प्स हो गया, ऊडल, एंडस, अटलस, रॉकीज, ठीक है। ये सारे आपके एग्जांपल किसके हैं, फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉक माउंटेन। ये एक तरीके से टेंसाइल फोर्सेस की वजह से जो फॉल्ट जनरेट हो जाते हैं उनकी वजह से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, या फिर उन फॉल्ट की वजह से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक। ये क्या है, ये किसका फॉर्मेशन को रिजल्ट करते हैं, रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन को रिजल्ट करते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स कौन कौन से, इनके एग्जांपल है सेरा नेवादा, वेसाच रेंज ऑफ यूएसए, वुस्किस एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थे आपके बेसिक सा डेफिनेशन आपका फोल्ड माउंटेन का और ब्लॉक माउंटेन का। अब आज हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डोम माउंटेन, ठीक है। कौन सा, डोम माउंटेन्स। अब डोम माउंटेन क्या होते हैं, ये किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, तो ये मैग्मेटिक इंट्रूशन और अनरैपिंग ऑफ क्रिस्टल सर्फेसिस इन द वॉल्केनिक प्रोसेस। ये कैसे फॉर्म होते हैं, मैग्मेटिक या फिर मैग्नेटिक इंट्रूशंस की वजह से, और जो क्रिस्टल सर्फेस की अनरैपिंग हो जाती है वॉल्केनिक प्रोसेस में, उसकी वजह से जो माउंटेन्स आपके फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम डोम माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोम माउंटेन। डोम माउंटेन एक तरीके से डोम भी इस तरीके से बोला जाता है, क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा नुकीला नहीं होता है या पॉइंटेड नहीं होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डोम शेप का होता है। देखिए ये जो शेप आपको दिख रही है थोड़ी सी, कैसी है, डोम शेप की शेप है ना ये, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, डोम माउंटेन। एग्जाम्पल कौन कौन से इनके, इनके एग्जाम्पल है किनकिनाटी, डोम ऑफ यूएसए, ब्लैक हिल्स, बिग होम्स एक्सेट्रा। किसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, डोम माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनकी पीक कैसी होती है, इनकी पीक नैरो ना होके, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि जो है इस तरीके से पॉइंटेड या नैरो नहीं होके कैसे होती है, डोम शेप की होती है, ठीक। ये था आपका डोम माउंटेन। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है आपका एक्यूमुलेटेड माउंटेन। ये कैसे, ये अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक्यूमुलेशन की वजह से बने होंगे, ठीक है। तो किसके एक्यूमुलेशन की वजह से बने, ये बने हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लावा और अदर इजेक्टेड मटेरियल्स इन द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म। अब जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से हम जानते हैं कि लावा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है, क्रिस्टल्स बाहर आते हैं, गैसेस बाहर आती है, बहुत सारे अदर मटेरियल्स बाहर आते हैं इजेक्ट होके, ठीक। अब हमें ये भी पता है कि वो सॉलिडिफाई होते हैं, बाहर आके ठंडे होते हैं, फिर वो सॉलिडिफाई होते हैं, फिर ये भी हमें पता है कि उनके सॉलिडिफिकेशन की वजह से उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है और वो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें तो हमें पहले से पता है, बट अब क्या होता है कि भले वो रॉक्स का फॉर्म ले लें, ठीक, बट उनमें एक्यूमुलेशन जब लगातार होता रहता है होता रहता है होता रहता है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एक माउंटेन का फॉर्म ले लेते हैं, और या फिर हम कहेंगे वो एक एक्यूमुलेटेड माउंटेन का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे माउंटेन जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ लावा या अदर एजेक्टेड मटेरियल्स की वजह से फॉर्म हो, जब आपका वोल्केनिज्म का प्रोसेस हो रहा हो, ऐसे माउंटेन्स को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन, ठीक है, क्योंकि वो लावा और अदर रिजेक्टेड मटेरियल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से, उनके इकट्ठा होने की वजह से, जब वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं ठंडे पड़ के, तब उनकी वजह से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स, ठीक है। इनको और क्या बोलते हैं, इनको और वोल्केनिक माउंटेन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन, जैसे कि आपका हो गया फुजियामा ऑफ जापान, कोटोपैक्सी ऑफ यूकेडो, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, एक्यूमुलेटेड माउंटेन के, ठीक है। एग्जाम्पल्स कंट्री के साथ आपको याद करना है, तो फुजियामा कहाँ का है, जापान का है, कोटोपैक्सी कहाँ का है, यूकेडोर का है। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, एक्यूमुलेटेड माउंटेन के, ठीक है। फिर आपका सिनसिनाटी डोम कहाँ का है, आपका यूएसए का एग्जाम्पल, यूएसए का है। किसका एग्जाम्पल है, डोम माउंटेन का, ठीक।
थोड़ा सा एक्यूमुलेटेड माउंटेन को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का जो है एक्यूमुलेटेड माउंटेन होता है, देखिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं दिखेगा आपको कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं होगा हाइट में। तो ऐसे माउंटेन्स जो कि आपके फॉर्म होते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ लावा और अदर इजेक्टेड मटेरियल्स की वजह से, उनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। ठीक है, आज का सेशन करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।